गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग, ऑफलाइन में स्वागत है तीन बच्चे का और ऑनलाइन में जो भी आ रहा है सबका। मेरा नेटवर्क कल चल ही नहीं रहा। चलता था लेकिन पता नहीं कभी भी दिए थे। आदर्श राजकुमार के समान केशव पांडे, विपिन कुमार का चलो शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अभी? मैं सुरेश सर्किल सेक्टर वाला ना। कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था? इंटरनली एक्सटर्नली सर्किल टच कर रहा था, उससे सिर्फ सर्कल। गुड मॉर्निंग, सर्कल सर्कल वाला था ना। चलो आ जाते हैं हम लोग। इससे लिखने के लिए डार्क नहीं ना होता है बोर्ड पे, लेफ्ट से जब लिखते हैं कम डाल देते हैं। ऐसे है सिंपल नॉर्मल। अभी तो कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। Thank you.
एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में थीटा इज 360 होता है, तब एरिया में पाई स्क्वायर होता है। तो जब थीटा 1 होगा, थीटा क्या होगा 1 होगा, तो एरिया क्या होगा पाई स्क्वायर बटे 300। जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। पाई जानता ही है, आर मतलब रेडियस है, थीटा मतलब एंगल हो गया, क्योंकि एंगल तो इसमें 360 दिया हुआ है, ये एंगल मतलब तो थीटा ले लेते हैं कि 360 वाला कुछ और भी रहे, ये इस तरह का सिचुएशन होगा। तो हमारा यही हो गया, बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर समझ गया, सर्किल के हेल्प से ही निकला, पूरा सर्किल पे एंगल जब 360 भी होता है तो एरिया पाई स्क्वायर होता है, तो एंगल अब कुछ स्पेसिफिक एंगल होगा तो उसका निशान निकाल लिए भाई। जब 360 डिग्री एंगल है तो एरिया पाई स्क्वायर है, 1 एंगल है तो पाई स्क्वायर पर थीटा होगा, थीटा एंगल है तो पाई स्क्वायर थीटा भाई। पेरीमीटर का बात करो क्या, तो पेरीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है भैया, कब जब थीटा 360 होता है, फिर भाई एंगल इज 360 तब सी जो होता है 2 पाई आर होता है क्या, जब एंगल 1 होगा उड़ा रहा है कि नहीं, यहाँ इधर का देखो इधर कर रहा है, जब एक एंगल 1 डिग्री होगा तब सी हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360, जब एंगल 360 से 1 हुआ, 1 से क्या ले लेंगे तब C क्या होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। यही हो गया मेरा लेंथ ऑफ आर। एक छोटे वाले क्षेत्र में बात करते हैं तो लेंथ ऑफ आर क्या है, एबी, एबी लिखे इसको छतरी बना देते हैं। लेंथ ऑफ आर हो गया, लेंथ ऑफ आर को डिनोट करते हैं स्मॉल एल, 2 पाई आर थीटा बाई 360, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है
नली से कर दोगे बट दो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टू लिए हैं तो बैलेंस कर रहे हैं ठीक है। अब देखो ये किसी चीज का फॉर्मूला है रुपया थीटा बाय 360 है ना इसको हम लिख सकते हैं 1/2 L एरिया ऑफ सेक्टर का वही भी फॉर्मूला हो गया जब एंगल नहीं दिया रहेगा केवल दे दिया लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे दिया तो डायरेक्ट निकल जाएगा एंगल निकालने का जरूरत नहीं क्या बार है ना तो बहुत आ जाएगा
सक्षम कुमार आंसर गलत है, ऐसा कोई निकलेगा। फॉर्मूला है रुपया थीटा बटे 307, वैल्यू डालने में कितना आया है 22 आया ना। अगले क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन में गलती कर देता है। इसी क्वेश्चन में आप लोग निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर, निकालिए क्या होगा फॉर द सेम क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर। गलती से काट दिया था एरिया, लेकिन तुमको कितना आ रहा 77। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है 231 231 ही होगा क्योंकि 21 ना है, 21 सेंटीमीटर सादे जी खेल रहे हैं, 231 सेंटीमीटर। हाँ 231 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सबका सही है, 231 होगा। बना दिए थे सेक्टर ऑफ सर्कल इज 14। क्वेश्चन अगला हम लिख रहे हैं ठीक है 231 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने में गलती कर दिया है चंद्रमोहन। बना दिया आदर्श राजकुमार का भी आंसर आ गया है।
पेरिमीटर, पेरिमीटर का फार्मूला क्या था, 2r into 1 plus pi theta बटे 360, एक फार्मूला था पेरिमीटर का, वैल्यू 68 है
जाएगा 98 मतलब कहीं है 35 मिनट के बाद कहीं और चला है तो उसके बीच कह रही निकला है कि क्या होगा आदर्श राज कुमार निकाल सर 2r + l वाला फार्मूला हां 2r + l के फिर बोला कि वही फार्मूला यहां पे हेल्पफुल बना तो दोनों ही तरीके से लेकिन पहले वाला तरीका जो इसका हम लोग जैसा था लंबा हो गया कैलकुलेटर इसमें कटा नहीं सोच रहा और कैपिटल स्कोर गया कि अच्छा नहीं हो रहा है अच्छा हाँ रेडियस तुम्हारा होगा या उसको चंद ये निकालना ये निकालना तो थीटा चाहिए थीटा का व्यवस्था करो कि 35 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा मिनट वाला सोच बस थीटा मिल गया तब तो एरिया निकल ही जाएगा भाई देखो दिमाग लगा 35 मिनट में क्या डिग्री का एंगल बनेगा मिनट वाला सुई घूम जाता है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाया तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया तो 35 डिग्री में 35 मिनट में क्या डिग्री 35 गुणे 6 थीटा मिल गया रेडियस दिया हुआ है आराम से एरिया निकल जाएगा साइन लेते हैं व्हील वाला तुम लोग बनाया चक्का वाला
बच्चा से लेकिन लाइफ में अब कम आ रहा है नौ को बच्चा है क्योंकि एट नाइन टेन तीनों क्लास से टाइम आएगा क्या उसे नहीं बनता है अच्छा नहीं कर पाता उसको लगता है कि अभी समय ठीक नहीं चला है लेकिन कौन ना कौन आदमी इस बात पर हल्ला कर दिया कि उसने
एक बार ध्यान में तो अच्छा अपना टाइम आएगा, अभी नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अगले दिन हम सेगमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, आज सेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। आदर्श कुमार हम सब जो है ना, यहाँ पूछा गया है एरिया, पूछा गया है एरिया, पूछा गया है 500 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, पाई के टर्म में आंसर मत दो, पाई का वैल्यू डालो। मुझे पहले ही शुरुआत में ही बोले थे आंसर ना, एरिया पूछा जाएगा तो 1000 2000 पाई आ जाएगा, 36 पाई 332 पाई इस तरह थोड़े होगा, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहिए। 1056 तुम्हारा आंसर आ रहा है ना, तीन सौ 36 पाई का मतलब 1056 हो सकता है, पाई का वैल्यू 3.14, 336 को ने 3 करेंगे तो हो जाएगा 1008 हो जाएगा ना, और 1/4 है उसको अगर करेंगे हो सकता है। सर्कुलर फील्ड वाला है, रेस्ट ट्रैक फील्ड के अंदर फील्ड, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, कितना क्वेश्चन आज हुआ, तीन क्वेश्चन तो बोर्ड पे है।
क्वेश्चन कितना हुआ आज बताओ तो कोई बच्चा, कितना टोटल क्वेश्चन हुआ है आज? द आदर्श कुमार ये जब आएगा ना उसको कहना है कि सैनिटाइजर सड़क पर धर के लाएगा, बहुत सैनिटाइजर जो है यूट्यूब पर बेचता है क्या? पाँच ही क्वेश्चन में चलो ठीक है खत्म करो, नहीं सकता कचरा वाला आ गया है यहाँ वहाँ फिर भी जमाना करेगा।